अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब इल्मों और अजीज़ व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हेलिकल गियर केस नंबर 05, शाफ्ट एट राइट एंगल, यानी शाफ्ट जो है वो राइट एंगल पे चलाना है 90 डिग्री पे, रेशो मुसावी है, सेंटर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट, सेंटर डिस्टेंस जो है वो तकरीबन है डीपी सिस्टम में। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि पहले तो आप पहचान कर लें कि राइट और लेफ्ट होता है कैसे गियर है। ये मैंने ये थंब ये रख दिया, ये थंब ये मेरे लेफ्ट हैंड का थंब है। अगर जो हेलिक्स एंगल यूं जा रहा है तो समझ लें ये लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड कटा हुआ है, और अगर ये राइट हैंड है मेरा, इसका हेलिक्स एंगल थंब की तरफ हेलिक्स एंगल यहाँ जा रहा है, तो ये राइट हैंड का गियर होता है। तो ये एक पहचान होती है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करूँगा। अब देखें इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि एंगल जो होता है इनका सेम होना चाहिए, दोनों का मिला के इनका मजमुआ 45-45 जब दो गियर मिलेंगे तो 90 डिग्री बनेंगे। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो नंबर वन, पिच डाया हमारा वैसे ही मालूम किया जाएगा जिस तरह हमने पहले उसमें मालूम करा, कॉस 45 डिग्री का मल्टीप्लाई पीएन, तो हमारे पास 18.07071 मल्टीप्लाई पीएन कितना हमारा 10, ये हमारा पिच डाया आ गया 2.546 इंच। अब इसका नंबर टू आउटर डाया, ये देखें थोड़ा भी डिफरेंट आएगा लीड के अंदर, ये बराबर होता है पिच डाया प्लस 2 PN। पिच डाया हमारा क्या है 2.54 प्लस 2 / 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.746 इंच। अब मैं इसको रिमूव करूंगा और इसका तीसरा फार्मूला लिखूंगा, देखें इसके लीड कैसे मालूम होगी, देखें। और अब जो इसका तीसरा फार्मूला है लीड, पहले तो हम 10 से तकसीम करते हैं ना, लेकिन यहाँ 10 से तकसीम नहीं करना, क्योंकि एंगल दोनों के 45-45 डिग्री है, इन दोनों का मजमुआ जब मिलेगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये होगा सिर्फ पिच डाया मल्टीप्लाई पाई। पिच डाया हमारे पास क्या है 2.546 इंच मल्टीप्लाई 3.1416। मैं इसको देखें 10 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा। तो ये हमारी लीड, इसकी लीड आ गई 7.9998 इंच, ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे वाले को रिमूव करूँगा, देखें ये, देखें यहाँ ये तीन फार्मूले, इधर लीड 45 डिग्री का अगर हेलिक्स एंगल है तो लीड सिर्फ इन दो को मल्टीप्लाई करने से मालूम होगी, शॉर्ट हो जाता है फार्मूला, लेकिन 10 से आप तकसीम नहीं करेंगे। अच्छा, अब कुछ मसलन अहम इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्या है, इफ द एंगल इज अदर देन 45 डिग्री अगर 45 डिग्री के अलावा कोई एंगल है तो आप किस तरह मालूम करेंगे, पिच डाया देखें, पिच डाया एन पी एन मल्टीप्लाई कोस, ये वही है जो अभी कर रहा था। नंबर टू, सी डी सेंटर डिस्टेंस, पिच डाया लार्ज गेयर जमा पिच डाया स्मॉल गियर
डिवाइडेड बाय टू, इसको हम दो से डिवाइड कर देंगे, इसको हम दो से डिवाइड कर देंगे। अब मैं ऊपर का रिमूव कर रहा हूँ। नंबर थ्री कटर नंबर, इसका फार्मूला वही है, एन डिवाइडेड बाई कॉस। नंबर फोर देखें, अब आएगा लीड का। लीड हमारे कैसे मालूम करेंगे, पिच डाया मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई टेन, ठीक है। ये इन चीज़ों को आपने करना है कि ये इस सूरत में, ये फार्मूला इस सूरत में लीड का होगा कि अगर 45 डिग्री से अदर देन कोई डिग्री हेलिक्स एंगल तिरछा होगा, यानी 45 की जगह 30 भी हो सकता है, लेकिन दोनों गेरों के जब एंगल हम प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। 45 डिग्री पे देखें फार्मूला शॉर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ों को देखें और समझें, ये बड़ी अहम चीज़ें। अब नेक्स्ट हम मॉड्यूल सिस्टम में चलते हैं। ये मॉड्यूल का डेटा लिखा है, मॉड्यूल में वही तरीके का रहे जो पीछे पहले आप कर चुके हैं, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए बता दूं, लेकिन वही इसका भी वही है कि उसकी जो लीड के लिए भी हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब मैं इसको मॉड्यूल सिस्टम में हल कर रहा हूँ। ये देखें मॉड्यूल सिस्टम है, पिच डाया वही तरीके का रहे जो पीछे पहले बयान कर चुका हूँ, डिवाइडेड बाई कॉस, 18 टीथ है, मॉड्यूल 2.5 कॉस 45 0.7071, पिच डाया आ गया 63.464 mm। आउटर डाया नंबर टू, आउटर डाया ये बराबर होता है पिच डाया जमा टू मॉड्यूल। तो हमारा पिच डाया क्या है, 63.64 प्लस टू मल्टीप्लाई 2.5, ये हमारे पास ओडी आ गया 68.64 mm, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखें इसकी भी लीड हम कैसे मालूम करेंगे, बल्कि यहाँ मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। लीड का इसका वही तरीक़ेकार है जो था के पिच डाया मल्टीप्लाई लीड बराबर है पिच डाया मल्टीप्लाई पाई। पिच डाया हमारे पास था 63.64 मल्टीप्लाई 3.1416, लीड आ गई हमारे पास 199.93 mm। तो ये mm में लीड आ गई। अब इसको इंच में कन्वर्ट करना चाहें तो 25.4 से तकसीम कर दें तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अच्छा जी, कटर नंबर इसका वैसे ही मालूम किया जाता है कि कॉस का जो फार्मूला था वो इसी तरीके से मालूम किया जाएगा जैसे पहले था। वो भी खैर मैं ऊपर का रिमूव करके आपको बता देता हूँ। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। नंबर फोर कटर नंबर, कटर नंबर ये बराबर होता है नंबर ऑफ टीथ कॉस क्यूब, यानी 18 डिवाइडेड बाय 0.7071 मल्टीप्लाई 0.7071 मल्टीप्लाई 0.7071। ये मैंने इस वजह से लिखे ताकि आपको क्यूब का पता लगे कि किस तरह लिखना है इसको। तो हमारे पास जो कटर नंबर आएगा वो कटर नंबर आएगा, ऐसा कटर मॉड्यूल 2.5 ही होगा, लेकिन कटर वो उस नंबर का लेना है जो 51 तीत तक काट सके।
जो 51 तीथ तक इसको काट सके, हमें वो कटर लेना है। ठीक है, ये टीथ, ऐसा कटर चूज करना जो 51 तीथ तक काट सके हेलिकल के अंदर। ये बड़ी अहम चीज़ है, देखें इसकी लीड में भी फर्क है। इसको मैंने 10 से तकसीम नहीं करा है क्योंकि 45 डिग्री है। तो जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जितने ज़्यादा आप सवाल मुझसे करेंगे उतना ज़्यादा सबों के इल्म में इजाफा होगा, मेरे में भी और आपके भी। और ये वीडियो मेरे उन तमाम वर्कशॉप में जो काम करते हैं उनके लिए, इंजीनियरिंग के मैकेनिकल के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए, जो भी पूछना चाहें वो इस मशीनिंग के हवाले से, वर्कशॉप के हवाले से पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही शाहिन निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।